So today session is going to be very very special because आज दे session विच आपा करन लगे अपने 6 नंबर बिल्कुल इंश्योर। ठीक है, पंजाबी दी ए वीडियो है जिदे विच आपा 6 मार्क्स जेड़े ने अपने अश्योर करन लगे। अश्योर मतलब के अज पक्के करन लगे हैं कि अज अपने 6 नंबर 6 मार्क्स टोटली टोटली जो तुसी मेरी वीडियो ध्यान देखोगे नोटबुक ते लिखोगे जो मैं थोनू लिखा रही हूँ थोड़े 6 मार्क्स जड़े ने इंश्योर ने। ठीक है, शुरू कर दें वीडियो नू, मैं थोनू दस दें की कराना। तो आपा करन लगे हैं राइटर्स दे नेम। हुण जिवें आपां नू पता है कि 8 लेख ने अपने। ठीक है, 8 लेख दे विचों पहला लेख केड़ा है अपने कोल, पंजाबी सभ्याचार। यही है ना पहला, सब पंजाबी सभ्याचार किस द्वारा रचित है ये थानू याद करना होगा, डॉक्टर बरिंदर कौर। याद कर लिया, पंजाबी सभ्याचार डॉक्टर बरिंदर कौर। जिन्हें जाने भी सीरियस ने 6 नंबर के 80 दे विचों 6 नंबर अच पक्के करने ही ने और कमेंट दे विच लिखी जायो जो जो मैं कह रही हूँ, सारे राइटर्स दे जड़े मैं थानू याद करवा रही हूँ नाल नाल लिखी जायो। ठीक है, पंजाबी सभ्याचार किने लिखे डॉक्टर बरिंदर कौर ने। दूजा नंबर ते आ जांदा है पंजाब दे मेले ते त्यौहार। पंजाब दे मेले ते त्यौहार एक इस द्वारा रचित है, ये रचित है डॉक्टर एस वंजारा बेदी। हुण तुसी सोच रहे हो कि 6 नंबर किद्दां पक्के हो रहे ने, एक 1 मार्क दा जिवें पहला क्वेश्चन आंदा हुंदा सी राइटर दा, हुण ओह 2 नंबर दे विच आएगा। ते तुहाडे 3 सैक्शनस ने पंजाबी दे बुक दे ते हर एक भाग दे विचों तुहानू एक राइटर दा नाम आऊगा, तां तुहाडे 6 नंबर अच फिर मैं पक्के करवाउण लगी हां, इसलिए तुहानू कह रही हां कि याद करी जाओ मेरे नाल नाल। फिर अगे आ जांदा अपने कोल नैक्सट, पंजाब दे रसम रिवाज। ए किस द्वारा रचित है, गुलजार सिंह संधू जी द्वारा। पंजाब दे रसम रिवाज किस द्वारा रचित है, गुलजार सिंह संधू। ठीक है, 3 याद हो गए, सॉरी 3 याद हो गए, केड़े केड़े पंजाबी सभ्याचार डॉक्टर बरिंदर कौर, पंजाब दे मेले ते त्यौहार डॉक्टर एस एस बंजारा बेदी, पंजाब दे रसम रिवाज किस द्वारा रचित है, गुलजार सिंह संधू। अगे चलते हैं, पंजाब दिया लोक खेड़ा, पंजाब दिया लोक खेड़ा ए किस द्वारा रचित है, ए रचित है थोड़ा सुखदेव माधपुरी जी द्वारा। सुखदेव माधपुरी लिखे जाओ नोटबुक ते भी लिखो ते कमेंट सेक्शन दे विच भी लिखो, देखो तुहानू अपने आप ही याद हो जाना। फिर उस तो बाद है पंजाब दे लोक किते ते लोक कलावां, पंजाब दे लोक किते ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਚਿਤ ਹੈ ਕਿਰਪਾਲ ਕਜ਼ਾਕ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲ ਕਜ਼ਾਕ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਇਹ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਇਹ ਰਚਿਤ ਹੈ डॉक्टर जगीर सिंह नूर। ठीक है, इत्थे तक एक बार रिवाइज करो, पंजाबी सभ्याचार डॉक्टर बरिंदर कौर, पंजाब दे मेले ते त्यौहार डॉक्टर एस एस बंजारा बेदी, पंजाब दे रसम रिवाज गुलजार सिंह संधू सॉरी सॉरी पंजाब दियां लोक खेड़ा सुखदेव माधपुरी, पंजाब दे लोक किते ते लोक कलावां किरपाल कजा, पंजाब दे लोक नाच डॉक्टर जगीर सिंह नूर। ठीक है,
अगे देखो 7th नंबर ते पंजाब दिया नकला, पंजाब दिया नकला। ये किस द्वारा रचित है? तो ये रचित है प्यारा सिंह खुंडा जी द्वारा। प्यारा सिंह खुंडा जी द्वारा, ठीक है, प्यारा सिंह खुंडा। उस तो बाद अगे चलते हैं 8वें नंबर ते पंजाबी सभ्याचारक परिवर्तन। पंजाबी सभ्याचारक परिवर्तन एक इस द्वारा रचित है, रचित है डॉक्टर राजेंद्र पाल सिंह बराड़। तुसी टेंशन ना लो, जे थोनू हुण लग रहा है ना भी मैनू याद नहीं हो रहा, पर थोड़े माइंड दे विच कुछ तां फीड हो रहा है। तुसी दूजी बार इहनू देखोगे वीडियो नू, या दूजी बार अपनी नोटबुक देखोगे, थोनू फील होएगा कि मैं कुछ याद किया है। तीजी बार देखोगे थोनू लगेगा कि हाँ पहले नालों होर याद हो गया। इस तरह जब 2-3 बार देख लोगे थोनू चंगी तरह याद हो चुका, ठीक है। फिर उसके बाद दूजा भाग आ गया, सॉरी तीजा भाग, जिहदे विच आपां करांगे टुकड़ी जग तो न्यारी। देखो टुकड़ी जग तो न्यारी किसदी रचना है? टुकड़ी जग तो न्यारी रचना है भाई वीर सिंह जी दी। टुकड़ी जग तो न्यारी किसकी रचना है? भाई वीर सिंह जी दी, भाई वीर सिंह जी दी, ठीक है। उस तो बाद दूजे नंबर ते पुराने पंजाब नू वाजा प्रोफेसर पूरन सिंह। पुराने पंजाब नू आवाजा किसकी रचना है? प्रोफेसर, इतने बिंदी नहीं आएगी, पूरन सिंह, प्रोफेसर पूरन सिंह। तीजे नंबर ते देखो वगदे पानी, वगदे पानी किसी रचना है? डॉक्टर, डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी, डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी। फिर ताजमहल किसकी रचना है? प्रोफेसर मोहन सिंह। उस तो बाद देखो चुम चुम रखो, चुम चुम रखो किसकी रचना है? नंद लाल नूरपुरी, नंद लाल नूरपुरी। देखो इतने तक थोनू कोई डाउट होवे आ मैं पीडीएफ थोनू पा भी दूंगी टेलीग्राम ते, तुसी उत्थों देख के इसनू एक बार चंगी तरह रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। उस तो बाद आ गया दोस्ता। दोस्ता किस द्वारा रचित है? प्यारा सिंह सहराई, प्यारा सिंह सहराई, ठीक है। फिर उसके बाद वारस शाह किस द्वारा रचित है? अमृता प्रीतम। उसके बाद देखो मेरा बचपन, मेरा बचपन हरभजन सिंह। गीत किस द्वारा रचित है? शिव कुमार बटालवी। एवें ना बुत्ता डोली जा पानी, एवें ना बुत्ता डोली जा पानी किस द्वारा रचित है? सुरजीत पात्र द्वारा, ठीक है। देखो हुण किन्ने कर लिया आपां ने, दस अपने कोल कवितावां ने, 8 अपने कोल लेख। हुण बस अपने कोल कहानियां 6 रह गईयां, फटाफट करवा दिंदी हां तुहानू। सांझ कहानी किस द्वारा रचित है? सुजान सिंह।
नीली कहानी किस द्वारा रचित है? करतार सिंह दुग्गल। उस तो बाद अपना देश किस द्वारा रचित है? संतोख सिंह तीर। ठीक है। उस तो बाद माड़ा बंदा किस द्वारा रचित है? प्रेम प्रकाश। ठीक है। फिर घर जा अपने इसदे राइटर पता कौन ने? इसदे राइटर ओही ने जिन्होंने पंजाब दे रस्म रिवाज लिखे। ठीक है। तां घर जा अपने भी किसने लिखे है? गुलजार सिंह संधू जी ने। ठीक है। उस तो बाद आ गया सतिया सही। सतिया सही लिखा होया है दलीप कौर टिवाणा जी का। तो जे तुसी मेरी वीडियो नु ध्यान ना देखा होगा ना प्रैक्टिस करी होगी तो आई श्योर के थोड़े 6 मार्क्स जेड़े ने एग्जाम दे विच ओ अज पक्के हो गए ने। ठीक है। तो मिलदे हां थानू अगली वीडियो दे विच। टिल देन टेक केयर एंड